हालेलुया। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मिलकर के परमेश्वर के वचन से एक छोटे से विचार पर ध्यान करेंगे और इस विचार से मुझे बहुत आशीष मिली। एक दिन मेरा ध्यान गया न्यायियों की पुस्तक उसके 13वें अध्याय में एक घटना पर, जहां पर एक व्यक्ति है मानो और उसकी पत्नी। और अगर आप पढ़ेंगे तो आप उस स्टोरी को जानते भी हैं। ये शिमशोन के माता पिता हैं, सैमसन के माता पिता हैं। और बाइबल में लिखा है, एक दिन एक स्वर्गदूत इनके पास आया और स्वर्गदूत ने आकर इनको बताया कि परमेश्वर तुम्हें बरकत देगा, तुम्हें एक बेटा उत्पन्न होगा और वो परमेश्वर के लिए अर्पण किया हुआ होना चाहिए, वो परमेश्वर की सेवा करेगा। और पूरी स्टोरी में आप देखेंगे कि मानो इस स्वर्गदूत से एक बात पूछता है। मानो कहता है कि अच्छा तूने हमें ये वायदा दिया है, तू अपना नाम हमें बता ताकि अगर ये वायदा पूरा हो जाए या जब ये वायदा पूरा हो जाए और हमें आशीष मिल जाए तो हम तेरा सम्मान कर सके। मानो नहीं समझ पा रहा था कि वो स्वर्गदूत है, तो मानो उससे उसका नाम पूछता है। और बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत ने जवाब दिया, स्वर्गदूत ने कहा तू मेरा नाम क्यों जानना चाहता है, मेरा नाम तो अद्भुत है, मेरा नाम तो अद्भुत है। इंग्लिश में आया है माई नेम इज सीक्रेट, तू मेरा नाम नहीं जान सकता, मेरा नाम इतना अद्भुत है कि तू मेरे नाम को नहीं सुन सकता या नहीं जान सकता। सिमिलर घटना याकूब के साथ हुई। आपको याद है जब याकूब सारी रात एक स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध कर रहा था और वहां पर भी याकूब ने स्वर्गदूत से उसका नाम पूछा और स्वर्गदूत ने अपना नाम नहीं बताया, स्वर्गदूत ने कहा तू मेरा नाम क्यों जानना चाहता है। So, दो घटनाएं हैं जहां स्वर्गदूतों ने अपना नाम नहीं बताया। और मानो वाली घटना में तो स्वर्गदूत ने यूं कहा मेरा नाम अद्भुत है, तू मेरा नाम नहीं जान सकता। Now, जब मेरा ध्यान इस बात पर गया तो मैं सोचने लगा स्वर्गदूत का नाम इतना अद्भुत है कि हम मनुष्य उसे जान नहीं सकते या सुन नहीं सकते, लेकिन उसके विपरीत सोचिए प्रभु का नाम जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे महिमावान है, जो सबसे अद्भुत है, वो नाम हमें दे दिया गया। हालेलुया। स्वर्गदूत का नाम इतना अद्भुत है कि हम सुन नहीं सकते, लेकिन यीशु मसीह का नाम जो सबसे अद्भुत है वो नाम हमें बता दिया गया, वो नाम हमें दे दिया गया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत स्वप्न में यूसुफ के पास आया और यूसुफ से उसने कहा तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। मुझे और आपको यीशु मसीह का नाम दिया गया। अगर मैं यूं कहूं यीशु मसीह का नाम अब आपका है, यीशु मसीह का नाम हर विश्वासी का है, यीशु का नाम आपको सौंप दिया गया। मैं अभी भी उसी विचार में आनंदित हो रहा हूं, स्वर्गदूत का नाम इतना अद्भुत है कि हम जान नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, लेकिन स्वर्गदूत से कहीं ऊंचा नाम, कहीं अद्भुत नाम हमारे प्रभु का है जो हमसे गुप्त नहीं रखा गया, छिपा कर नहीं रखा गया, बल्कि हमको दे दिया गया है। हालेलुया। यीशु का नाम हमको दिया गया है। और फिर मैं सोचने लगा इस यीशु के नाम में मेरे और आपके पास कितनी बरकतें हैं। सोचिए यीशु नाम में हम प्रार्थना कर पाते हैं, राइट? हमारी हर प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण होती है। वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। यही यीशु का नाम है जिसमें हमारी पहुंच पिता तक है। आपको मालूम है अगर मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति को एक्सपीरियंस कर पाते हैं या हम उसकी उपस्थिति में जा पाते हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ जीसस, ओनली इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। हम यीशु के नाम में ही पिता तक पहुंचते हैं। यीशु मसीह ने कहा था तो मेरे द्वारा ही पिता तक पहुंच सकोगे। और कौन सी बरकतें हैं? यीशु के नाम में हम बीमारियों पर जय पाते हैं। आमीन। यीशु के नाम में हम बीमारियों को डांट सकते हैं, हम बीमारियों पर अधिकार रखते हैं। यही यीशु का नाम हमें अंधकार की ताकतों से बचाने के लिए काफी है। हम शैतान की ताकतों पर अधिकार रखते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे याद आ रही है वो घटना जहां एक सरदार है, प्रेरितों के काम में आप पढ़ते हैं, स्किवा जिसका नाम है, और उसके लड़कों ने पौलुस को देखा था दुष्टात्मा निकालते और उन्होंने भी जाकर एक दुष्टात्मा वाले व्यक्ति को पकड़ लिया
और दुष्ट आत्मा को अधिकार से डांटने लगे और कहने लगे, हम उस यीशु के नाम से जिससे जिसका पौलुस प्रचार करता है, हम तुम्हें आज्ञा देते निकल जाओ। उस दुष्ट आत्मा ने उन लड़कों को देखा और कहा, हम पौलुस को भी जानते हैं, हम यीशु को भी जानते हैं, पर तुम कौन हो हम तुम्हें नहीं पहचानते। और उस एक व्यक्ति ने इन सब लोगों को पकड़कर इनको घायल कर दिया। लेकिन वहीं पर मैं और आप क्या पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने मुझे और आपको क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, जाओ और मेरे नाम से तुम बीमारों को भी चंगा करना, तुम दुष्ट आत्माओं को भी आज्ञा देना, अधिकार से आज्ञा देना मेरे नाम से, और दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, यही यीशु के नाम से मैं और आप वर्शिप कर पाते हैं। हमारी वर्शिप भी कबूल होती है ओनली इन द नेम ऑफ जीसस, और यही यीशु का नाम है। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, यही यीशु का नाम है जो हमारा उद्धार है। तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सो फिर से याद करिए, स्वर्गदूत का नाम इतना अद्भुत है कि हम सुन नहीं सकते, लेकिन स्वर्गदूत से कहीं बढ़कर सबसे ऊंचा नाम यीशु नाम मुझे और आपको दिया गया है। और इस आनंद में आप बने रहिए, इस आनंद में आपके अंदर से हमेशा आराधना का सोता फूटता रहे, हमेशा धन्यवाद उठता रहे, हमेशा प्रार्थना उठती रहे। अगर कोई विषय आपको नहीं याद आ रहा है धन्यवाद देने का, यीशु नाम के लिए धन्यवाद। यीशु नाम हमको फ्रीली दिया गया है, इस बात के लिए धन्यवाद। यीशु नाम में हमारी पहुंच पिता तक है, इस बात के लिए धन्यवाद। और सबसे बढ़कर यीशु नाम में उद्धार हमें मिला है, इस बात के लिए धन्यवाद। आइए इसे पहले समाप्त करें, दो मिनट का समय लें। आप जहां कहीं भी हैं, अगर आप अपने हाथों को उठा सकते हैं तो उठाएं, अगर अपनी आवाजों को उठा सकते हैं तो उठाएं और कहें, पिता धन्यवाद, आपने यीशु का नाम हमको दिया है, वो नाम जो सब नामों में ऊंचा है, वो नाम जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, वो नाम जो सबसे अद्भुत है, वो नाम जिसके आगे सारे स्वर्गदूत झुकते हैं, वो नाम आपने हमको दिया है प्रभु, वो नाम आपने मुझको दिया है, और उस नाम में आपने मेरे लिए उद्धार और चंगाई और छुटकारा और परमेश्वर की हुजूरी, सारी बरकतें उस नाम में आपने हमें दे दी है। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं, और ये अनुग्रह मांगते हैं प्रभु कि इस नाम में हम और बढ़ते चले जाएं और यीशु नाम की और आराधना हमारे जीवनों से करते जाएं। धन्यवाद 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 यीशु नाम के लिए धन्यवाद। सारी महिमा यीशु नाम को मिले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।